हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज मैं बताने वाली हूँ जून मंथ कैसा जाने वाला है आपका। जून मंथ के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या निर्णय आपको लेने चाहिए, कैसे अवेयर रहना चाहिए, ये सब हम जानेंगे आज के इस रीडिंग में। लास्ट में हम एक सिंबल भी देखेंगे आप लोगों के लिए, जिसमें जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ में आ रही ब्लॉकेज को, नेगेटिविटी को रिमूव करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं। और अच्छी अफर्मेशन के साथ उसको यूज करके आप अपनी विशेष को भी पूरी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जून मंथ के लिए कर्क राशि। कर्क राशि का ये महीना कैसा जाने वाला है? कर्क राशि का ये महीना कैसा जाने वाला है? कर्क राशि का ये महीना कैसा जाने वाला है? स्टार्ट करते हैं कर्क राशि के। कर्क राशि जून मंथ में किसी से भी आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपको एक सही पाथ की जरूरत है। आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे किधर जाना है। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आप कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आप अटक गए हो और आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। आपको उसमें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। आपको ये आपको क्लैरिटी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, वो मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें मैं ये कहूँ कि थोड़ा ठीक होने की ज़रूरत है। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो ठीक होने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जून मंथ में आपको किसी से प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है। आप सही पाथ पे जा सकते हैं और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और चेंजेस आप देखेंगे। साइलेंस कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखाता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आपको डिसीजन लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से, इमोशनल होने से चीज़ें ठीक नहीं होती है। कभी कभी हमें प्रैक्टिकली डिसीजन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑर्डिनरीनेस यहाँ दिखाता है, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी मेहनत, थोड़ा वर्क करना ज़रूरी है, थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी है। अगर कोई काम अटक रहा है तो उस पर आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। आपको पैसा खर्च करके और फिर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर कोई भी काम ऐसा जो आपका स्टक हो गया है उसमें थोड़ा सा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो आपका काम ठीक होने वाला है। ऐसा थोड़ा सा कहीं कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आता है कि अब मैं चीजों को कैसे ठीक करूं, इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जब भी ऐसा हो तो ओवर थिंकिंग करना या बहुत दुखी होने से बेटर है कि किसी की गाइडेंस ले। प्रॉपर गाइडेंस आपको बहुत हेल्प करेगी हमेशा के लिए। अगर कोई अपना घर लेने की सोच रहे हैं तो उसमें भी जून में बहुत स्ट्रांग चांसेस मुझे दिख रहे हैं। डेफिनेटली आप अपने घर को खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। एंड किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको किसी आपके सीनियर पर्सन से आपको अच्छी नॉलेज और मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है और थोड़ी हेल्प मिल सकती है अपने वर्क प्लेस पे। अगर लव के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देखती हूँ तो गोइंग विद द फ्लो फॉर अ न्यू रिलेशनशिप और बहुत ही बेहतरीन रिलेशन जो लाइफ में सबको नहीं मिलता है, एक सॉलमेट कनेक्शन जो अगेन ये कार्ड भी दिखाता है। तो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग, बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन, स्ट्रांग कनेक्शन, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जिसे कहते हैं, वो कनेक्शन या तो आपकी लाइफ में है तो वो पूरी तरह से आपसे कनेक्ट होने वाला है जून मंथ में। और अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो डेफिनेटली जून मंथ में आने वाला है और आगे उसके साथ लाइफ आपकी बहुत ही बेहतर रहेगी। एक अच्छी पॉजिटिव लाइफ आप जीने वाले हैं उस पर्सन के साथ। नॉथिंगनेस कार्ड यहाँ कहता है कि अगर उस चीज में भी आप ब्लैंक है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए राइट है या नहीं है, या फिर वो कनेक्शन जो है वो आपको दिल से तो पता है लेकिन आप जज नहीं कर पा रहे, या फिर मैं ये कहूँ कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे अगर किसी तरह का, तो उसके लिए भी अगर आप किसी से गाइडेंस लेंगे, किसी से बात करेंगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है।
कुछ लाइफ में चेंजेस आने की आ सकते हैं। जून मंथ से आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं चेंजेस आ सकते हैं, और वो जो चेंजेस रहेंगे वो पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, और वो आपके द्वारा लिए गए प्रैक्टिकल डिसीजन पे ही डिपेंड करेंगे। तो बहुत ही अच्छा महीना जाने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंसेस्टर गाइडेंस फॉर जून मंथ। कर्क राशि के लिए एंसेस्टर क्या मैसेज देना चाहते हैं? टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर, ट्रस्ट योर टैलेंट्स, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड लास्ट है सेट योर साइट्स हायर। यस, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट कार्ड ये ही कह रहा है कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको उस चीज को समझना है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। एंड ये मिरर गार्जियन है, तो यस, खुद पे फोकस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम खुद पे फोकस करते हैं, खुद को एक अच्छे कॉन्फिडेंस में जब हम देखते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुली हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अपने आप के बारे में सोचते हैं कि यस, ये परफेक्ट है, ये जो मैं कर रहा हूँ उस पर मुझे 100% विश्वास है कि मैं जो करूँगा वो एकदम सही होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि खुद पे आप उंगली ना उठाएं, खुद के लिए ये ना सोचें कि मैं सही नहीं हूँ या मुझ में बहुत कमियाँ हैं, ये सब आपको नहीं सोचना है। और एक अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपको, और उसके बाद ही आपको लोगों के सामने आना है। जो फियर आपके मन है में है, जो भी डर है किसी भी तरह का, कि चाहे थोड़ा सा भी डर हो कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, उसको भी पहले आपको डिलीट करना है अपनी लाइफ से। उसमें भी आपको एक कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है, और उसके बाद ही आपको वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रस्ट योर टैलेंट्स कार्ड ये कहता है कि अपने टैलेंट्स पे विश्वास रखें। आप जितना अपने आप पे विश्वास रखेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल बनेंगे। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं बना है जो 100% राइट है, या जिसने जो भी काम किया है वो एक ही बार में करेक्ट हो गया है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, और अपने टैलेंट पे विश्वास रखें, अपने इंट्यूशंस पे विश्वास रखें, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यस, जैसा कि मैंने बोला कि चेंज, कुछ चेंज मुझे यहाँ पर जून मंथ में दिख रहा है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ सकती है। ये रीडिंग जब आप देख रहे होंगे तभी आप फील करेंगे कि यस, मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है। आप अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में एक अच्छी गाइडेंस लेकर भी इंसान अपने आप को हील कर सकता है। कहीं पर भी लाइफ में जहाँ वो स्टक है, अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग से आपको कोई मैसेज मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको समझ सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मन के फियर को डिलीट कर सकते हैं। सेट योर साइट्स हायर। तो यस, अपने सपनों को नीचे ना रखें, अपने सपनों की को एक पहचान दे, उसको और बड़ा सोचे, बिग सोचे, और विश्वास रखे अपने ऊपर और करने की कोशिश करें। सारे कार्ड यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप बढ़ना चाहते हैं, जिस भी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशंस में, कहीं पे भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है, अपने मन के डर को डिलीट करना है, अपने टैलेंट्स पे ट्रस्ट रखना है, अपनी क्वालिटीज पे विश्वास रखना है, और लाइफ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। एंजल मैसेजेस। एंजल मैसेजेस फॉर कर्क राशि। कर्क राशि आपको बहुत सारे मैसेजेस चाहिए, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स बहुत जम कर रहे थे। ओके, क्लियर योरसेल्फ, पास्ट लाइफ इश्यूज, विजुलाइज सक्सेस। बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए आए हैं सारे।
स्टार्ट करते हैं हम पास्ट लाइफ इश्यूज से। तो हो सकता है इसी लाइफ में पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है जिसकी वजह से आप परेशान हैं और उनको आप हील नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी इसी वक्त कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि जो भी हुआ लाइफ में पास्ट में, जो जो भी सिचुएशन थी वो रिलीज हो गई है, और फील करें कि यस मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा ऑरा पॉजिटिव है और अब मैं आज से ही एक नई जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ। आप फील करेंगे कि यस आज से ही आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस शुरू हो गए हैं। विजुलाइज सक्सेस, उसी पल अपनी सक्सेस, जहाँ जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, उसको विजुलाइज करना स्टार्ट कर दें कि मैंने ये हासिल कर लिया है, थैंक्स यूनिवर्स मैंने ये हासिल कर लिया है। तो इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बहुत आगे ले जा सकती है। सिंगिंग एंड डांसिंग, यस आपको अगर अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना, थोड़ा सा कभी कभी हमारा म्यूजिक सुनना हमारी लाइफ में हमें बहुत ही स्टेबिलिटी दे जाता है, हमें रूट से स्ट्रांग बना देता है। बिकॉज म्यूजिक सुनना और डांसिंग करना ये रूट चक्रा से संबंध रखता है। तो जब हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होता है तो हमारी सारे चक्रास तक एनर्जी जाती है। तो थोड़ी देर अगर आपको पसंद है तो प्लीज म्यूजिक सुने, मेडिटेशन म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं। आप हीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हीलिंग को मानने वाले हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो यस उनकी लाइफ में भी बहुत साइकिक एनर्जी एंटर हो रही है और उनको साइकिक बना रही है, उनके साइकिक पावर्स को इम्प्रूव कर रही है, उनके इंट्यूशंस को स्ट्रांग बना रही है। तो आप मेडिटेशन म्यूजिक सुनकर कुछ देर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। क्लियर योर सेल्फ, जी हाँ, टॉक्सिक एनर्जीज हमारी बॉडी में कब आती है हमें नहीं पता। हम पूरा दिन बहुत सारी जगह जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि कौन सी एनर्जीज के साथ हम डील कर रहे हैं। इसलिए खुद को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो आस्क द एंजल टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्जॉर्ब्ड। आपने जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसको डिलीट करने के लिए आप कोई भी हीलिंग कर सकते हैं, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं या फिर एंजल से कह सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी ये अफर्मेशन देकर कैंसल, क्लियर, डिलीट 3 टाइम्स बोलकर अपने आप से कनेक्शन कट करके आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा हीलिंग सिंबॉल यूज आपको करना चाहिए। ये जीवो सिंबॉल्स है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिए हुए हैं। जो भी सिंबॉल आपके लिए अभी आता है उसको आप मेरी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें जाकर आप वो वीडियो सुन सकते हैं। उस सिंबॉल को आप उस तरह यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। फॉरगिवनेस, वाओ, जैसा कि आपके कार्ड्स बता रहे थे कि पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा इशू हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा है, या इसी लाइफ में पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आप अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको ये फॉरगिवनेस बहुत हेल्प करेगा सिंबल आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, प्रेजेंट मोमेंट में जीने में और हैप्पीनेस को पाने में। तो इस सिंबल को लिंक में देखकर कैसे यूज करना है आप जरूर यूज करें और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं। थैंक यू कर्क राशि, आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।